नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं उन सब्जियों के बारे में जिन्हें हम रोज खाते हैं। तीन वक्त के खाने में किसी ना किसी रूप में हम किसी एक सब्जी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन इस बात से शायद आप बेखबर हैं कि ये सब्जियां धीरे धीरे आपके लिए जहरीली होती जा रही हैं। इंडिया टीवी ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सब्जियों की पड़ताल की, सब्जियों की टेस्टिंग करवाई और इस दौरान जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। इस वक्त यहाँ आप इस टेबल पे हमारे सामने ये सारा सामान देख रहे हैं, सब्जियां देख रहे हैं। इन सभी सब्जियों का भी हम लाइव टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप एक शुद्ध सब्जी की पहचान करें। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए डाइटिशियन सोनिका चौधरी भी मौजूद है। सोनिका, आप हमारे साथ हैं और आप हमें बताएंगी कि कैसे इन सब्जियों का हम लाइव टेस्ट कर सकते हैं घर में और कैसे ये पहचान कर सकते हैं कौन सी सब्जी आपकी सेहत के लिए बेहतर है और उसे किस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वो चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए जिसमें ये खुलासा हुआ। लौकी, कद्दू, तोरी, खीरा, ककड़ी, आज हर सब्जी की जाँच होगी। आज खुलासा होगा दिल्ली NCR की सब्जी कैसी है। आज पता चलेगा कि आपके शहर की सब्जियां खाने लायक हैं या नहीं। आज पड़ताल होगी कि लौकी इतनी बड़ी क्यों होती है, कद्दू का वजन रातों रात कई गुना क्यों बढ़ जाता है, तोरी में जहरीले केमिकल कौन मिला देता है, करेला खाने से कैंसर जैसी बीमारी क्यों हो सकती है, जहरीली सब्जियों से ब्रेन हेमरेज कैसे हो सकता है, क्यों किडनी फेल हो जाती है। हमारी पड़ताल शुरू हुई उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां से काफी मात्रा में सब्जी दिल्ली भी पहुंचती है। यहां का किसान लौकी में जहरीला इंजेक्शन लगाता पाया गया, वो इंजेक्शन जो जानवरों को लगता है, जिसे सब्जी में लगाने के बाद सब्जियों का आकार और उसका वजन रातों रात बड़ा हो जाता है। फसल बढ़ाने के लिए हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, सरकार तो हमारी सुनती नहीं है। अब हमें भैंस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिससे कि लौकी है, तुरई है, जल्दी पैदावार होती है। कैसे, मतलब जल्दी कैसे हो जाती है इससे? दरअसल एक रात, अगर हम एक इंजेक्शन लगा दें तो एक रात में लौकी बढ़ के पूरी बड़ी हो जाती है। वैसे कितने दिन लगते हैं? वैसे तो काफ़ी दिन लग जाते हैं। अगर हम उसके सहारे बैठे रहेंगे तो शायद हम क्या है, अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते। पश्चिमी यूपी में अलीगढ़ की सब्जी की हकीकत के बाद अब चलिए 187 किलोमीटर दूर बिजनौर। यहाँ खेतों में बड़े बड़े कद्दू नजर आए, वो कद्दू जो वजन और साइज में आम कद्दू से कई गुना भारी नजर आ रहे। ऐसा लगा जैसे यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। वजह पूछी तो पता चला इसे इंजेक्शन देकर वक्त से पहले तैयार किया गया है। ये ऑक्सीटोक्सी हार्मोन्स का इंजेक्शन है। किस लिए लगाते हैं भाई इसको? इससे सब्जी जो है जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी बड़ी हो जाती है। अच्छा, कहाँ से मिलता है ये इंजेक्शन? ये मेडिकल से मिल जाता है, किसी भी मेडिकल से ले लो। लेकिन इसके ऊपर तो सरकार ने रोक लगा रखी है और ये गलत काम है जो तुम कर रहे हो। तो सभी करते हैं, इसलिए थोड़ा सब्जी भी जल्दी बढ़ जाती है। इतनी लागत तो ज़्यादा लगती है खेती में और लौट के कम आता है थोड़ा, इसलिए कर लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश के दो शहरों के बाद हमारे रिपोर्टर पहुंचे हरियाणा, ये जानने के लिए कि खेतों में उगाई जाने वाली सब्जियों में क्या किसी तरह के कीटनाशक या ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अम्बाला में जब हम पहुंचे तो यहाँ लौकी देखकर हैरानी हुई, इतनी बड़ी लौकी। यहाँ के किसान ने वही बताया जो हमें बाकी जगहों पर सुनने को मिला था। अब सब्जियों की हमारी पड़ताल पहुंची अम्बाला से 191 किलोमीटर दूर रोहतक। यहाँ भी नज़ारा वैसा ही था। जानवरों को लगाया जाने वाला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सब्जियों की बेल में लगाकर सब्जियों को उगाया जा रहा था। इसकी वजह जानने की हमने कोशिश की तो पता चला मॉनसून लेट था, इसलिए सब्जियों को वक्त से पहले बड़ा करने के लिए खतरनाक इंजेक्शन का सहारा लिया जा रहा था। आप लोग गेहूं में इंजेक्शन क्यों लगाते हो? क्योंकि ये मौसम की मार है, पानी की कमी है, तो इसलिए हम एक दिन में तैयार करते हैं। जैसे शाम को लगाते हैं तो सुबह तक तैयार हो जाती है और फिर हम इसको मंडी में वगैरह में विक्रेता करते हैं। और जो पहले महंगी भी ज़्यादा हो गई है ये, जिससे हमें पहले 10 रुपये आज 30 रुपये बिक रही है, इसलिए हमने ये काम कर रहा है। क्योंकि हमें महंगाई के साथ साथ जो किले हमें 20-25 हज़ार रुपये के साल में मिलता है, तो इसलिए हमें वो करना पड़ता है। इससे जहरीला फैलता है आम लोगों के, आप लोगों को ये नहीं पता? ये आम लोगों इसको है तो काफ़ी नुकसान है, फिर भी हमें अपना उसके करने के लिए करना पड़ता है, फ़ायदा करना।
फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो? हाँ जी, करना पड़ता है क्या ऐसा? हाँ जी हाँ जी, जैसे ये घिया कल शाम को की थी और आज ये सुबह ही तैयार हो गई है। कब लगा था इसका इंजेक्शन? ये इंजेक्शन कल शाम को लगा था। और कितनी बेलों को लगाते हैं एक दिन में? जिस जी ये फल होता है उसी बेले पे लगाते हैं हम। सब्जियों की पड़ताल में रोहतक के बाद आगे चले और 234 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंडीगढ़ पहुंचे। यहां एक ऑर्गेनिक फार्म में पता चला कि हर किसान सब्जियों को जहरीला बना रहा है। हम हिंदुस्तान से अगर एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी हमें 20 गाइडलाइंस को मीटअप करना पड़ता है, और हम अपनी खुद मार्केट में जाएं, मंडी में जाएं, वहाँ पे फार्मर विदाउट एनी स्टैंडर्ड्स, वहाँ पे सब्जी हम फेंक के आ जाते हैं और वही हमारे घर प्लेट्स पे आ जाती है। तो एज एक हिंदुस्तानी होते हुए ये मुझे काफ़ी एम्बेरसिंग लगा कि क्यों ना हम भी अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें। तो उस सोच के साथ हमने ये इस प्रोजेक्ट में आने का डिसीजन लिया। हम अपनी प्लांटेशन करते हैं, हमारे खुद के रिटेल आउटलेट्स भी हैं और हम इंस्टीट्यूशनल सप्लाई भी कर रहे हैं। ज्यादा और तेजी से मुनाफा कमाने की फिराक में कुछ किसान शहर दर शहर किचन तक किलर कैंसर पहुंचा रहे हैं। हरी सब्जियों की शक्ल में गंभीर बीमारी घर घर भेज रहे हैं। सब्जियों में कितना जहर है इसकी हमने तहकीकात की, एक लैब में कई सब्जियों की जांच की। सब्जियों की खतरनाक हकीकत आपको दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। खेतों में सब्जियों की पड़ताल करने के बाद हमने दिल्ली की 3 बड़ी मंडियों से सब्जियां खरीदी, वो सब्जियां जो राजधानी दिल्ली के आसपास के शहरों से यहां पहुंचती हैं। इन सब्जियों की 3 दिन तक लैब में टेस्टिंग हुई और इस दौरान जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। आप खुद देखिए जिन सब्जियों को हम सेहत बनाने के लिए खाते हैं उनमें बीमारी देने वाला जहर कितनी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। क्या वाकई सब्जियों में जहरीले पदार्थ मौजूद होते हैं? इस कड़वे सच को जानने के लिए हमने सब्जियों का लैब में टेस्ट करवाया। दिल्ली में 3 बड़ी मंडियां हैं। तीनों मंडियों की सब्जी लेकर हमारे रिपोर्टर भास्कर मिश्रा पहुंचे दिल्ली की एक लैब में। उन मंडियों की सब्जी जो मंडी से पहले दिल्ली एनसीआर की दुकानों पर पहुंचती हैं, फिर वो दुकान से किचन तक पहुंच जाती हैं। गाजीपुर मंडी से हमने खरीदी लौकी, ओखला मंडी से कद्दू को टेस्ट के लिए लिया, आजादपुर मंडी से खरीदी तोरी और खीरा। बाजार से खरीदी सब्जियों में क्या जहरीले केमिकल्स हो सकते हैं? क्या वाकई हमारे घर के आसपास मिलने वाली सब्जियों में जानलेवा धातु होती है? सवाल कई थे लेकिन जवाब सिर्फ लैब के टेस्ट से पता चल सकता था। हमें बताया गया ये टेस्ट करने में 3 दिन लगेंगे, 72 घंटे बाद हमें रिपोर्ट मिलने वाली थी। 3 दिन के इंतजार के बाद हम फिर से इस लैब में पहुंचे जहां दिल्ली की 3 बड़ी मंडियों की खरीदी लौकी, कद्दू, तोरी और खीरा की रिपोर्ट हमें मिलने वाली थी। जब रिपोर्ट सामने आई तो हमें यकीन नहीं हुआ। ये वो रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें सब्जियों की पूरी रिपोर्ट थी, उनके अंदर क्या क्या जहरीले पदार्थ हैं इसकी पूरी हकीकत मौजूद थी। रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी। जिन सब्जियों को दिल्ली और एनसीआर के लोग इस्तेमाल करते हैं उन सभी सब्जियों में हैवी मेटल और पेस्टिसाइड्स की मात्रा बेहद अधिक पाई गई। हैवी मेटल अधिक पाए जाने का सीधा मतलब ये है कि लगातार इन सब्जियों को खाने से कैंसर और ब्रेन हेमरेज जैसी लाइलाज बीमारी का खतरा दिल्ली एनसीआर के लोगों पर मंडरा रहा है। ज्यादातर सब्जियों में लेड और आर्सेनिक की मात्रा चौंकाने वाली थी, ये सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा थी। लेड की मात्रा 1.06 mg जबकि लिमिट है 0.30 यानी करीब 4 गुना ज्यादा। कॉपर की मात्रा 4.13 mg जबकि लिमिट है 3। आर्सेनिक 4.73 mg जबकि लिमिट है 0.17 यानी 20 गुना ज्यादा। मिथाइल पैराथोन की मात्रा 0.36 जबकि लिमिट है 0.2। फॉस्फोमीडन की मात्रा 0.27 जबकि लिमिट है 0.2। यानी जो लौकी दिल्ली एनसीआर के लोग खाते हैं वो जहरीली है, जानलेवा है।
अब सलाद में खाए जाने वाले खीरे की लैब रिपोर्ट देखिए। खीरा खाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। हैवी मेटल यानी लेड की मात्रा खीरे में रिपोर्ट के मुताबिक 0.86 निकली, जो कि सुरक्षित लेवल 0.30 से कहीं ज्यादा है। खीरे में न सिर्फ लेड की मात्रा पाई गई बल्कि रिपोर्ट में कीटनाशक भी मिले। कीटनाशक मिथाइल पैराथोन की मात्रा खतरनाक स्तर की पाई गई। ये 0.46 थी, जो कि सेफ लिमिट 0.2 से 2 गुना ज्यादा थी। इसी तरह से कीटनाशक फॉस्फोमिडोन की मात्रा खीरा में 0.27 पाई गई, जो कि सुरक्षित लेवल 0.2 से थोड़ी ज्यादा मात्रा में पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक खीरा भी बेहद खतरनाक निकला है। अब बारी है तोरी के टेस्ट रिपोर्ट की। हरी सब्जी समझकर तोरी को हर दूसरे दिन बाजार से लाकर खुद खाने और बच्चों को खिलाने वाले पहले हमारी रिपोर्ट पर गौर कीजिए। कॉपर 3.94 जबकि लिमिट है 3। आर्सेनिक 0.71 जबकि लिमिट है 0.17। यानी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी तोरी खाई तो ये भी शरीर को गंभीर बीमारी दे सकते हैं। जी, जो आपने हमारी लैब से टेस्ट करने के लिए जो वेजिटेबल्स आप लाए थे, उसमें हमने क्रोमेटोग्राफी, HPLC, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से उनको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स की समरी है, मैं आपको उसको सिलसिलेवार बताता हूँ। तो सबसे पहले पम्पकिन का है, इसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं। जितने सैंपल आपने दिया था उसमें हैवी मेटल्स मिला है। उसमें हैवी मेटल्स में आर्सेनिक, जो काफ़ी खतरनाक होता है, वो आर्सेनिक भी इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा निकल, कैडमियम और लेड इसमें प्रेजेंट है। पेस्टिसाइड्स, और अगर हमने पेस्टिसाइड्स का एनालिसिस किया है तो उसमें पेस्टिसाइड्स भी प्रेजेंट हैं। समरी में हम कह सकते हैं कि पम्पकिन में हैवी मेटल्स और आपका पेस्टिसाइड्स की प्रेजेंस है। 4 सब्जियों की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। अब अगली रिपोर्ट देखिए, कद्दू से क्या निकला। कद्दू में इतना केमिकल है कि उसे खाना या खिलाना पूरे परिवार को बीमार कर सकता है। आए दिन सब्जियों की जांच होती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था टेरी और दूसरी संस्थाएं सब्जियों की जांच कराती रही हैं। हर रिपोर्ट के नतीजे डराते हैं। पहले प्रभाव पड़ेगा एक दिल कच्चा होना, उल्टी आना या लूज मोशन होना, या व्यक्ति के अंदर इरिटेबिलिटी हो जाना। ये तो इमीडिएट असर है। पेट में दर्द भी हो सकता है, लूज मोशंस कई बार लोगों को लग जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्रॉनिक यूज़, क्योंकि वही सब्जी, वही फल हम बार बार खा रहे हैं, तो जब बार बार खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे हैवी मेटल्स आपकी बॉडी के अंदर जमा होते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो क्यूमुलेटिव एक्शन है, महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, क्योंकि आदमी उसी एनवायरनमेंट में रहेगा, वही चीज खाएगा, तो उसके जो असर है वो बहुत भयानक है। इंडिया टीवी की जांच रिपोर्ट हाल ही में आई इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर की ताजा रिपोर्ट से मेल खाती है, जिसमें खुलासा हुआ है कि दिल्ली में पाई जाने वाली सब्जियां सेहत के लिए खतरनाक हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के पानी में घुले केमिकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी दे सकते हैं, यहां तक कि इंसानों की प्रजनन शक्ति पर भी गंभीर असर डाल सकते हैं। जो सब्जियां आप रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वो कितनी जहरीली हो सकती हैं, कितना आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसकी लैब रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब इस वक्त हम इसका लाइव टेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ टेबल पर आप हमारे साथ सारी सब्जियां देख रहे हैं, और साथ ही मेरे साथ मौजूद है इस वक्त डाइटिशियन सोनिका चौधरी। अब सोनिका, ये अलग अलग सब्जियां हैं, ऑक्सीटोसिन की बात होती है कि ऑक्सीटोसिन से काफी नुकसान हो सकता है, उसका असर हम देखते हैं। इसके अलावा आप जैसे अभी ब्रेक के दौरान भी आप हमें बता रही थी कि पानी में भी अगर आप उन सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं तो हम काफी हद तक उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इंतजाम किया है, गर्म पानी हमारे पास है। मुझे लगता है कुछ सब्जियों को इसमें हम डाल के रखेंगे और फिर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे उसमें बदलाव आ रहा है और कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे मटर है, मटर में ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि FPO द्वारा कलर की भी एक क्वांटिटी है कि हाँ फूड एडिटिव्स होते हैं, फूड कलर होते हैं, बट एक लिमिटेड अमाउंट में और अच्छी क्वालिटी का कलर। पर वेंडर्स तो मुनाफा कमाने के लिए कलर लगा रहे हैं, तो वो अच्छा कलर तो नहीं लगाएंगे। तो आप गर्म पानी में मटर को डिप करें। इसके अलावा कुछ और सब्जियां यहाँ भी पड़ी हैं, इनमें से जैसे ये परवल है, इसमें इतनी शाइन है तो ये पक्का इसमें वैक्स कोटिंग होगी, जो वैक्स हमारे पेनक्रियाज के लिए बहुत हार्मफुल होता है।
इसकी पहचान क्या हम वैसे मार्केट में कर सकते हैं सिर्फ इसको देखने मात्र से कि अगर आप सब्जी खरीद रहे हैं सिर्फ देखकर कि देखकर पहचान? हाँ जी हाँ, देख के पहचान सकते हैं, आपको अलग शाइन करते हुए चीज एकदम पता चल जाएगी, या उस अगर मॉइस्चर है थोड़ा सा भी या चिपचिप है तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस पे वैक्स कोटिंग है। आप जरा सा रब करके भी देख सकते हैं, जिस पे गंदा कलर या फिर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलर होगा वो तो आपके हाथ में ही। आपने गंदे कलर की और क्वांटिटी की बात की, और अगर इसमें ऐसा है तो यानी अगर हम पानी में इसको भिगा के रख दें कुछ देर बाद और 15 मिनट के बाद इसे चेक करें तो हमें जरूर वो असर नजर आएगा। 15 मिनट के बाद आप तेज गर्म पानी में भिगोएंगे तो वो कलर आपको पानी ग्रीन। चलिए लाइव टेस्ट भी हमारे लिए हो जाएगा, कुछ सब्जियां हमने इस गर्म पानी में भिगा के रख दी है और 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे कि कितना बदलाव इन सब्जियों में आता है और क्या वाकई इनमें किसी तरह की वैक्स की कोटिंग है या नहीं। दिल्ली की अलग अलग सब्जी मंडियों से सब्जियां लेकर हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने एक रिपोर्ट हासिल की, उनके लैब टेस्टिंग करवाई गई कि आखिर उन सब्जियों में कितना जहर है जो आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, यही वो रिपोर्ट है जो भास्कर मिश्रा ने इन तमाम सब्जियों पर करवाई। भास्कर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भास्कर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि मोटा मोटा इस रिपोर्ट में क्या तथ्य आपके सामने निकल कर सामने आए। देखिए जितनी भी सब्जी और फलों का हमने टेस्ट करवाया है उसमें साफ तौर पे ये है कि हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, जो तय मात्रा है उससे कहीं ज़्यादा है और सीधा सीधा उससे शरीर के नुकसान पहुंचाने वाला है वो सब। खासकर लेड है या आर्सेनिक है, ये ऐसे तत्व हैं और इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा है अगर आप टेस्ट रिपोर्ट में देखें तो सीधा सीधा एक तरह से आप डॉक्टर्स की से बात करें तो वो कहेंगे कि एक तरह से जहर है ये इंसान के लिए, और वो भी अगर लगातार खा रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी बात है इसमें ये कि ऑक्सीटोसिन की हमने टेस्ट करवाई, वो टेस्ट रिपोर्ट में इजीली डिटेक्ट नहीं होती है लेकिन उसके बावजूद भी उसका नुकसान होता है और अक्सर जो खासकर बेल वाली सब्जियां हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीटोसिन का आप जिक्र कर रहे हैं, डाइटिशियन सोनिका चौधरी हमारे साथ हैं। सोनिका हमें बताएंगी कि कैसे आप सरसरी निगाह से अगर सब्जियों को देखें तो ये जांच कर सकते हैं कि किसमें ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल है और कैसे आप उन सब्जियों से बच सकते हैं। जिन सब्जियों का हम खुलासा कर रहे हैं उनके इस्तेमाल से किस तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, देखिए केमिकल मिली सब्जियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं और ऐसी बीमारियां जो जानलेवा आपके लिए हो सकती हैं। बाजार में बिक रही सब्जियों और फल में जो खतरनाक केमिकल है उससे जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है। दिल की बीमारियां हो सकती हैं और महिलाओं को इनफर्टिलिटी का भी शिकार होना पड़ सकता है। लगातार इन सब्जियों के इस्तेमाल से पिता बनने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। हम आपको बताते हैं कि सब्जियों में मौजूद जहर से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नसों को नुकसान, हार्मोन में गड़बड़ी, नर्वस सिस्टम और लिवर को नुकसान, प्रजनन और न्यूरो संबंधी समस्या, कैंसर, इनफर्टिलिटी, किडनी खराब होने का खतरा, आंखों की रोशनी जाने का खतरा, ब्रेन हेमरेज का खतरा। मुख्य रूप से ये जो हमारे जननांग हैं उनसे संबंधित इंजेक्शन, उससे संबंधित ये साल्ट है। अगर इसका इससे इतर किसी भी तरीके का कोई प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि अभी आपने सब्जियों के संबंध में बताया, तो चाहे वो दूध में हो चाहे सब्जियों में हो, इससे क्या दिखाई दे रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जल्दी ऐसा लग रहा है जैसे वो मैच्योर हो रहे हैं, उनके गोनेट्स प्रभावित हो रहे हैं। जो मिडिल एजेड पर्सन हैं वो इम्पोटेंसी की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, इससे तो बड़ा समाज को बड़ा घातक नुकसान हो रहा है और इसका इस पर तुरंत प्रतिबंध होना चाहिए। वैसे प्रतिबंधित है लेकिन बड़ा सख्त कानून की जरूरत है। सब्जियों में पाए जाने वाले जहर के लिए किसान के साथ साथ कारोबारी भी दोषी हैं। डॉक्टर मानते हैं कि बाजार में इस तरह खुलेआम मिलने वाले हार्मोनल इंजेक्शन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और सब्जियों की शुद्धता के लिए तो मापदंड तय किए गए हैं, उसके पूरा होने के बाद ही सब्जियों को बाजार में उतारने और उसे बेचने की इजाजत होनी चाहिए। लैब में जांच के बाद अगर सब्जियों में कीटनाशक पाया जाता है तो कारोबारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। दोषी कारोबारियों पर आर्थिक दंड भी दिए जाने का प्रावधान है, 6 महीने से 1 साल तक की जेल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी,
इस रिपोर्ट में जिक्र है ऑक्सीटोसिन का, किस तरह से वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है ये हम जानेंगे सोनिका से। सोनिका, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऑक्सीटोसिन होता क्या है और उससे सब्जियों में क्या फर्क पड़ता है जब सब्जियों को दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोनल इम्बेलेंस बॉडी में क्रिएट करता है, क्योंकि वो हार्मोन से ही रिलेटेड है। तभी आपने देखा होगा कि जब हम एक छोटी चीज़ को ऑक्सीटोसिन वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो वो अगले दिन या कुछ घंटों में उसका साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है। इनफैक्ट ये अभी आपके हाथ में जो लौकी है, ये भी इससे भी शायद हम बता सकते हैं दर्शकों को कि ये एक नॉर्मल साइज, एक नॉर्मल नेचुरल जो अपनी ग्रोथ से है लौकी, ये वो है, इसको हम पहचान सकते हैं इसका साइज देख के, इसकी फ्रेशनेस देख के, कलर देख के। बट ये ऑक्सीटोसिन से पकी हुई लौकी है, जिसको कि आप छूने में भी बता सकते हैं ये हार्ड है, स्टिफ है, इसका कलर थोड़ा चेंज है और नॉर्मल से ज्यादा कुछ बड़ी है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के जरिए या किसी भी जरिए से सब्जियों पर उसका छिड़काव किया जा रहा है, सब्जियों को दिया जा रहा है, तो एक तरह का डिसऑर्डर सब्जियों में पैदा हो जाता है जो उनका साइज बढ़ा देता है। हाँ जी, ये एक तरह का डिसऑर्डर ही ये जेनेटिक चेंज करता है, मतलब तो ये हमें जो अभी रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि यहाँ इनफर्टिलिटी कॉज करता है मेल्स और फीमेल्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको अगर हम नियमित रूप से, ये तो हमें फिर भी जो साइज मिला ये हम वो देख रहे हैं, इससे बड़े साइज के भी घिया हम देखते हैं, इससे बड़े साइज की भी है, जैसे ये काशीफल है, ये कद्दू है, ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, तो ये साइज देख के भी आप पहचान सकते हैं कि एबनॉर्मली बड़ा है, ये देख के आप बता सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि हाँ ये नॉर्मल सा। अक्सर हम देखते हैं लोगों के अंदर ये एक टेंडेंसी होती है कि बड़ा साइज है तो आपके पैसों के हिसाब से आपको ये सब्जी ज्यादा मिल रही है या ज्यादा कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, मतलब रादर देन कि वो छोटा साइज की सब्जी लें, लोग प्रेफर करते हैं कि हम बड़ा खरीद लें। हाँ, वो तो एक लालच होता है इंसान के मन में कि हाँ कम सस्ते दामों में अगर बड़ी चीज़ मिल रही है, पर वैसा नहीं सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में पहले सोचना चाहिए। जो छोटी चीज़ है दिखने में फ्रेश दिख रही है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसकी अपेयरेंस आप पहचान सकते हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान पहचान सकता है कि हाँ ये चीज़ फ्रेश है, नेचुरल है, तो आप तभी उसी हिसाब से जज करें कि क्या हमें परचेज करना है। अब इसके अलावा ये ऑक्सीटोसिन और किस तरह की सब्जियों में इस्तेमाल होता है, जैसे लौकी में तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल अपने दर्शकों को दिया कि ये एक देख रहे हैं आप कद्दू, इसका एक साइज जो है ये नॉर्मल साइज हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि दिख रहा है, लेकिन वही इसकी तुलना अगर आप इससे करें तो ये एक्स्ट्रा लार्ज है, काफी बड़ा है, और जो आप कह रही हैं कि ऑक्सीटोसिन की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, डिसऑर्डर सब्जियों में हो जाता है, तो और कौन सी सब्जियां जिनमें ये इस्तेमाल, जैसे खीरा है, खीरे में इस्तेमाल किया जाता है इसका, तुरई में भी किया जाता है इसका इस्तेमाल। यानी अगर लोगों को देखकर पहचान करनी है तो वो सिर्फ दो जो भी कंपैरिजन करें या तुलना करें कि ये दो खीरे इस वक्त हम अपने हाथ में देख रहे हैं, ये खीरा आपको देखने में आ रहा है, ये देखने में इसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं है, इसका कलर भी अच्छा नहीं है, ये एक नेचुरल खीरा है, हरे रंग का है, ग्रीन है, छूने से पता चल रहा है दबाने से कि हाँ फ्रेश है, ये बिल्कुल स्टिफ इसका टेक्सचर है, तो आप जज कर सकते हैं बिल्कुल आराम से कि हाँ ये एबनॉर्मल खीरा है और ये नेचुरली अपनी जो उसे पका हुआ है ये वो खीरा है। तो ये क्या ऑक्सीटोसिन से बचने के लिए क्या घर में हम किसी तरह से क्लीन कर सकते हैं, क्या कोई तरीका है इनसे बचने के लिए, क्योंकि लैब टेस्ट तो आम आदमी की पहुंच में इतना इजी नहीं है कि वो जाएं और लैब टेस्ट करा लें सब्जी का, लेकिन घर में क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, इनसे कैसे हम बच सकते हैं। घर में अगर आपको कोशिश करें, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि आप जब खरीद रहे हैं तभी ध्यान रखें कि आप फ्रेश ही खरीदें, देख के ही जज करें, अदरवाइज अगर आप घर पे जो प्रिवेंटिव मेजर है वो ये है कि आप जिस समय कुक कर रहे हैं, जब कुकिंग आप हो रही है तो एक बारी उबाल लें उसको, जैसे लौकी आपने छीली है, काटी है, काटने के बाद उसको बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद फिर से उसको दोबारा छौंकें, बट उसमें यह है कि जो न्यूट्रिएंट लॉस भी है वो भी होगा, क्योंकि वो पूरी लीचिंग हो जाएगी, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो भी उस उबले हुए पानी के साथ निकल जाएंगी, ऑक्सीटोसिन तो किल हो ही जाएगा क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर पर आके ऑक्सीटोसिन किल हो जाता है, बट लेकिन अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी आप उसमें से 50% चले जाएंगे, तो बेटर ये है कि आप प्रिकॉशनरी तौर पे कि आप जब परचेज कर रहे हैं तो ही ध्यान रखें, और अगर हो सके तो एक छोटा सा किचन गार्डन मेंटेन करके रखें कि आप वहां पे ही फ्रेश सब्जियां लगा सकें। अभी एक ब्रेक में आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप एंटीटॉक्सिन्स लेते हैं तो उससे भी काफी हद तक आप इन सभी चीजों को किल कर सकते हैं जो केमिकल्स आपकी बॉडी में। एक ये भी तरीका है, इतनी फास्ट लाइफ है हमारी तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम हर चीज माइन्यूट चीजों पर, हालांकि ये मेजर चीजें हैं बट फास्ट लाइफ में ये माइन्यूट हो जाती है, तो बेटर है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, लाइक अपनी आप जैसे कर्ड है, दही है या एंटीऑक्सीडेंट रिच चीजें हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ऐसे और बहुत सारे टिप्स अभी सोनिका के पास हैं जो हम आपको सब्जियों का लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। इसके अलावा बाजार में बिक रही जहरीली सब्जी से आप खुद को कुछ हद तक तो बचा सकते हैं, लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी होगी, आपको कई बीमारियों से बचा सकती हैं ये सावधानियां। हम आपको बताते हैं आप कैसे कीटनाशक वाली सब्जियों का असर कम करें।
सब्जियों की जहरीली साजिश से बचने के लिए गृहिणियों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब बाजार से सब्जी खरीदे तो देख लें कि कहीं असली रंग और साइज से ज्यादा बड़ी तो नहीं है सब्जियां, क्योंकि जिसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा होता है वो एक्चुअल साइज से बड़ी होती हैं। इसके बाद कुछ सावधानी बरतें। पहली सावधानी, शक हो तो घर लाकर सब्जी को नमक के पानी से धोएं। नमक के पानी से धोने के बाद सब्जी पर मौजूद ज्यादातर केमिकल और कीटनाशक धुल जाते हैं। हालांकि ऐसा करने से ऊपरी केमिकल दूर होगा, न कि अंदर दाखिल हुए केमिकल्स। दूसरी सावधानी, सब्जियों को गुनगुने पानी में भी डालकर धोएं। आप बाजार में आसानी से मिलने वाले पोटेशियम परमैंगनेट घर में हमेशा रखें। पानी में इसकी दो बूंदें डालकर कुछ देर तक पानी में रखें। ऐसा करने के बाद सब्जियों का जहरीला केमिकल गर्म पानी के साथ निकल जाता है। ऐसी सब्जियों को प्रेशर कुकर में पकाएं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर सब्जियों को पकाने से उनसे अंदर का जहरीला केमिकल निकल जाता है। तीसरी सावधानी, कच्ची सब्जियों को खाने से पहले उनको अच्छी तरह से नल के पानी में धो लें। रिसर्चर्स बताते हैं कि कच्ची खाने वाली सब्जियों को कम से कम 10 मिनट तक धोएं और अगर हो सके तो छिलका उतार कर खाएं। कच्ची सब्जियां यानी गाजर, खीरा वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आदमी कुछ कर नहीं सकता, जब सब तरफ प्रदूषण है तो क्या करेगा। अपनी प्रिकॉशन आदमी अपने जो खा रहा है उसके लिए डेफिनेटली ले सकता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं होते, पानी भी आरओ करके या फिल्टर्ड करके उसको पानी को यूज किया जाता है। मुनाफाखोर जिस तरह से साजिश रच रहे हैं उसे देखते हुए सिर्फ सावधानी आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है, इसलिए हर किसी के लिए जरूरी है कि इन सावधानियों को ध्यान रखें। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। खेतों में सब्जियों की पड़ताल करने के बाद हमने दिल्ली की तीन बड़ी मंडियों से सब्जियां खरीदी, वो सब्जियां जो राजधानी दिल्ली के आसपास के शहरों से यहां पहुंचती हैं। इन सब्जियों के तीन दिन तक लैब में टेस्टिंग हुई और इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। आप खुद देखिए कि जिन सब्जियों को हम सेहत बनाने के लिए खाते हैं उनमें बीमारी देने वाला जहर कितनी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। ये वो रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें सब्जियों की पूरी रिपोर्ट थी, उनके अंदर क्या क्या जहरीले पदार्थ हैं इसकी पूरी हकीकत मौजूद थी। रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी। जिन सब्जियों को दिल्ली और एनसीआर के लोग इस्तेमाल करते हैं उन सभी सब्जियों में हैवी मेटल और पेस्टिसाइड्स की मात्रा बेहद अधिक पाई गई। हैवी मेटल अधिक पाए जाने का सीधा मतलब ये है कि लगातार इन सब्जियों को खाने से कैंसर और ब्रेन हेमरेज जैसी लाइलाज बीमारी का खतरा दिल्ली एनसीआर के लोगों पर मंडरा रहा है। ज्यादातर सब्जियों में लेड और आर्सेनिक की मात्रा चौंकाने वाली थी, ये सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा थी। लेड की मात्रा 1.06 mg जबकि लिमिट है 0.30 यानी करीब 4 गुना ज्यादा। कॉपर की मात्रा 4.13 mg जबकि लिमिट है 3। आर्सेनिक 4.73 mg जबकि लिमिट है 0.17 यानी 20 गुना ज्यादा। मिथाइल पैराथोन की मात्रा 0.36 जबकि लिमिट है 0.2। फॉस्फोमीडन की मात्रा 0.27 जबकि लिमिट है 0.2। यानी जो लौकी दिल्ली एनसीआर के लोग खाते हैं वो जहरीली है, जानलेवा है। अब सलाद में खाए जाने वाले खीरे की लैब रिपोर्ट देखिए। खीरा खाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। हैवी मेटल यानी लेड की मात्रा खीरे में रिपोर्ट के मुताबिक 0.86 निकली, जो कि सुरक्षित लेवल 0.30 से कहीं ज्यादा है। सोनिका, आप तो डाइटिशियन हैं, आप खुद लोगों को सजेस्ट करती हैं कि क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। जो रिपोर्ट हमने दिखाई, क्या उसके बाद वाकई आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि उनको पालक, मतलब हरी सब्जियां जो हेल्थ के लिए बोली जाती हैं, कि वो खानी चाहिए एंड ऑल? पालक सेहत के लिए बहुत अच्छी सब्जी है, खानी चाहिए हमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखे खानी चाहिए। जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसको रनिंग वाटर में कम से कम 5 या 7 बार आपको ज़रूर धोना चाहिए। दूसरी चीज़, या तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर सही इस्तेमाल करना आता है तो इस्तेमाल करें,
अदरवाइज पोटेशियम परमैंगनेट बहुत अच्छी चीज़ है, आप दो ड्रॉप्स पानी में डालेंगे गुनगुने पानी में, उसमें फिर रनिंग वाटर में धुले हुए पालक को डिप कर देंगे और उसके बाद फिर से उसको रनिंग वाटर में ही धोएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट में डिप करने के बाद भी एक बार फिर से उसको रनिंग वाटर में धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हरी सब्जियां जो लीफी वेजिटेबल है, पत्तियों वाली, उनको रनिंग वाटर में धोना बहुत जरूरी है, धोना बहुत है, क्योंकि उसमें जो सॉयल है, मड है, जो भी चीज है वो, या छोटे छोटे कीड़े जो भी चीज है वो रनिंग वाटर से ही फ्लश आउट होंगे। एक बर्तन में आप जितनी बार भी धोएंगे वो उतना साफ धुलाई नहीं होगी, एक छलनी में आप काट के या बिना काटे जैसे भी आप रनिंग वाटर में 5-6 बार धोएं, फिर पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल नहीं करना है तो गुनगुना पानी करके उसमें नमक डाल के और तब आप कटे हुए पालक को उसमें डिप कर दें थोड़ी देर। चलिए, तो बात पालक की हो गई। अब जिन सब्जियों का हम लाइव टेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें हमने पिछले करीब 20 मिनट से गर्म पानी में के इस बाउल में भिगा कर रखा है, इसमें परवल है, खीरा है, इसके अलावा भिंडी है, करेला, पालक के कुछ पत्ते हैं, मटर के दाने हैं, तो सोनिका बताएं आप हमें। ये गर्म पानी में ही इनको डिप करके रखा है, बट ना छूने पे और छूने पे भी नहीं इनका कलर छूट रहा है, किसी भी सब्जी का कलर नहीं छूटा हुआ है। और ये परवल में जैसे हाथ में ले रही हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा खुरच कर भी देखा, तो इसमें जिस कलर की हम बात कर रहे थे कि सब्जी में ग्रीन कलर हो सकता है, वो कलर आपको भिगाने के बाद पता चलेगा, वो नहीं महसूस हो रहा है, वो इसमें तो नहीं महसूस हो रहा है। पानी भी ग्रीन में चेंज नहीं हुआ है, पानी भी पानी वाला ही कलर है, तो ये सारी सब्जियां तो एडल्ट्रेटेड नहीं है, नहीं लग रही हैं। चलिए, सोनिका ने बताया हमें कि ये जो सब्जियां यहाँ पर मौजूद हैं, ये इनमें ऐसा कोई एडल्ट्रेशन नहीं है या जिस जो खतरनाक कीटनाशक हम महसूस कर रहे हैं वो नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये तमाम सावधानियां अगर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें तो आप काफी हद तक, करीब करीब 50% तक अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, लेकिन ये पूरा 100% सोल्यूशन नहीं है, इसलिए आप सावधान रहें और अलर्ट रहें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। हमारे इस शो में इतना ही, हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का, लेकिन आगे देखिए कैसे पूरा हुआ पीएम मोदी का